नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस इंदौर से चुनाव प्रचार का शंखनाद कर चुकी है और भाजपा 17 जून से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस बीजेपी पार्षदों के टिकट फाइनल नहीं हो पाए हैं। महापौर के बाद अब पार्षदों के टिकट तय करने में दोनों ही दलों के पसीने छूट रहे हैं। दोनों ही दलों में एक अनार सो बीमार जैसी स्थिति है। खास बात यह है कि पार्षदों के लिए दिग्गज नेता अपने चहेतों के लिए जोर लगा रहे हैं, साथ ही टिकट वितरण में क्राइटेरिया भी आड़े आ रहा है। अब ऐसे में किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, ये तो पार्षदों के टिकट की घोषणा के बाद ही पता चलेगा। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस वक्त चारों तरफ नगरीय निकाय चुनाव का शोर है। महापौर प्रत्याशी घोषित करने के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के लिए पार्षद के टिकट फाइनल करना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करते नजर आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव में कई फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, जो 2023 के पहले प्रयोगों की परीक्षा के रूप में देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि महापौर के बाद पार्षदों के नाम पर अंतिम मोहर लगाने में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के पसीने छूट रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित तमाम शहरों में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के नाम फाइनल नहीं कर पाए। बीजेपी में महापौर की तरह ही पार्षदों के नाम पर भी खासा मंथन चल रहा है, लेकिन अब तक नाम फाइनल नहीं हो पाए। पार्टी के अंदर एक अनार सौ बीमार जैसी स्थिति है। बीजेपी ने चयन समितियों के जरिए तीन तीन नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं, उनमें से एक नाम बाहर निकलेगा, लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है। नाम की घोषणा से पहले ही इस लेट लतीफी के कारण राजनीतिक दलों के अंदर नाराज कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अगर अपने घोषित क्राइटेरिया का पालन किया तो पिछली नगर निगम परिषद के 85 पार्षदों में से ज्यादातर बाहर हो जाएंगे। भाजपा 50 साल से ज्यादा उम्र, दो चुनाव लड़ चुके नेताओं को टिकट नहीं देने और अनारक्षित वार्डों से सामान्य वर्ग के ही उम्मीदवारों को टिकट देने की बात कह रही है। महापौर प्रत्याशी चयन में भी भाजपा ने अपनी गाइडलाइन का पूरा पालन किया है। सीएम शिवराज ने भी इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक पद अकेली भाजपा है जिसने ये तय किया है कि विधायक महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का ही अभाव है, या तो कार्यकर्ता नहीं है और अगर कार्यकर्ता है भी तो उनकी इज्जत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, कलेक्टिव लीडरशिप है और विश्व की अद्भुत पार्टी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अलग पार्टी, जिसने टिकट के वितरण के मापदंड निर्धारित किए, गाइडलाइन बनाई है और जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करते हुए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अमल में लाते हुए हमने सर्वस्पर्शी समाज के अलग अलग प्रोफेशंस के लोग, देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के सूची आप उम्मीदवारों की देखोगे मेयर की, तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर डॉक्टर तक, व्यवसायी से लेकर किसान तक, समाज सेवी से लेकर शिक्षाविद तक, विधिवेत्ता से लेके जमीन से जुड़े कार्यकर्ता तक सबका समन्वय मिलेगा। कांग्रेस में तो यह हालत है कि वो विधायक से आगे नहीं बढ़ पाए कई जगह। मैं तो पूछता हूँ उनसे कि क्यों और कोई है ही नहीं कार्यकर्ता तुम्हारे, या तो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योग्य सूची घोषित की है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरी संगठन की टीम, चयन समिति सबको बधाई देता हूँ। ये तय है कि सीएम शिवराज जो बोल रहे हैं उसे भाजपा निकाय चुनाव में भुनाएगी, कि वो कैसे परिवारवाद से हटकर जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस पुराने ढर्रे पर चलकर कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। कांग्रेस के भी पार्षद के टिकट फाइनल करने में पसीने छूट रहे हैं। कांग्रेस ने 10 दिन तक वार्डो में जाकर मीटिंग की और राय शुमारी करते हुए दावेदारों के बायोडेटा लिए। 85 वार्डो के लिए 500 से ज्यादा बायोडेटा आ चुके हैं। कई दौर के मंथन के बाद भी नाम फाइनल नहीं हो पाए। हालांकि 12 जून को ही प्रत्याशी तय हो चुके थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के वार्ड से ही चुनाव लड़ने वाले क्राइटेरिया से सारे समीकरण गड़बड़ा गए। दरअसल 15 से ज्यादा वार्ड ऐसे हैं
जहां पर विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसे में सभी वरिष्ठ नेता असंतुष्टों को मना रहे हैं ताकि एक नाम फाइनल हो सके। कांग्रेस भी युवाओं को मौका देने और वार्ड के मतदाताओं को ही टिकट देने की बात कर रही है। ऐसे में आरक्षण के कारण वार्ड बदल कर दावेदारी कर रहे नेताओं का टिकट खटाई में पड़ गया है। देखिए, हमारे यहाँ पर कोई पेच नहीं फंसा है पार्षद उम्मीदवारी को तय करने के अंदर। ये सारे जो पेच फंसे हैं भाजपा में फंसे हैं। महापौर प्रत्याशियों के भी पेच जो फंसे थे भाजपा में फंसे थे। सर फुटबॉल के हालात, जूतम बेल की स्थिति, ये सब कुछ भाजपा में है। हमारा सब सर्वे के आधार के ऊपर है, सब संतुष्ट हैं। सूची हमारी जारी, पहले भी हमने महापौर प्रत्याशियों की भाजपा से पहले की थी, अब पार्षद प्रत्याशियों की सूची भी हमारी रात तक जारी हो जाएगी या कल आपको भी फॉर्म जो प्रत्याशी हैं उनको मिली जाएंगे। हमारी कोई देरी नहीं है, समय है, समय के ऊपर काम कर रहे हैं। देरी जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वही जाने ये सर फुटबॉल के हालात जोन में। बीजेपी में भी पार्षदों के टिकट वितरण में दिग्गज नेता रोड़े अटका रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कृषि मंत्री कमल पटेल जैसे मंत्री भी पार्षदों के टिकट वितरण में रुचि ले रहे हैं। संघ और विद्यार्थी परिषद के साथ मजदूर संघ ने भी अपने पसंद के नाम आगे बढ़ाए हैं। अब पार्षदों के टिकट के नामों की घोषणा के बाद ही ये पता चल सकेगा कि आखिर चली किसकी और किसका साथ किस्मत ने नहीं दिया या कौन क्राइटेरिया की भेंट चढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसी। बहुत स्वागत है रंजन जी आपका। और सबसे पहले आप ही से कि एक बड़ा मसला सुलझा लिया गया महापौर का, कि जो चौंकाने वाले कुछ नाम भी थे लेकिन जो पार्षदों को लेके जो घमासान मचा हुआ और जिसकी पहले आशंका भी थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब एक बड़े महापौरों का नाम इतने आसानी से बीजेपी ने सुलझा लिया तो पार्षदों पर इतनी टेंशन क्यों? और जब आपने क्राइटेरिया बना दिया है कि 50 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को नहीं देंगे, दो बार जीतने वालों को नहीं देंगे, सामान्य सीट से सामान्य उम्मीदवारों को ही उतारेंगे, किसी रिजर्व वाले को नहीं उतारेंगे, ये सारी प्रक्रिया आपने तय कर ली है, फिर मुख्यमंत्री का जो बयान है कार्यकर्ताओं को लेकर जो उन्होंने एक संदेश दिया है, तो इन सब के बीच परेशानी कहाँ देख रहे हैं आप बीजेपी के टिकट में? थोड़ा सा मनोज जी इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। जी, पहले तो लग रहा था चुनाव होगा नहीं, लीगल बैटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला, फिर चुनाव घोषित हुए, फिर अचानक एक कंडीशन था और इस चुनाव को मैं एक ऐतिहासिक चुनाव मानता हूँ जी, खासकर बीजेपी के लिहाज से। हम लोगों ने अपने पूरे काम के दौरान इस तरह की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन अभी तक नहीं देखी थी। तो जाहिर है बीजेपी में परिवर्तन का दौर है और बड़े परिवर्तन का दौर है। देखिए, सत्ता जो पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है तो नई बात नहीं है। बिल्कुल, आजकल बहुत ऐसे नेता हैं जिनका नाम अगर मैं शुरू करूं तो शायद बहुत से समय लग जाएगा, जो कि दूसरी पीढ़ी के नेता हैं, पहली पीढ़ी जिनको बना के चले गई। तो ये जो पीढ़ी परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन जिस तरह से उसको थोड़ा और इसे कुछ स्टेप आगे बढ़ करके पार्टी ने जिस तरह से लागू किया है कि विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा, नेता पुत्रों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी, उनको इनकरेज किया जाएगा, नेता पुत्रों को डिस्करेज किया जाएगा, तो इतने इस तरह के जितने राइडर्स आए हैं ये पहले कभी, खासकर नगरीय चुनाव में तो मैंने कभी नहीं सुना, ये पहली बार हुआ है। हो सकता है पार्टी का एक पक्ष उससे नाराज होगा, नेता पुत्रों में नेता है। इसे दूसरे लिहाज से देखें तो भाजपा ने बहुत बड़ा दांव खेला है, एक बहुत बड़ा वर्ग जो कार्यकर्ताओं का है, जो कि उनको लगता था हमारा के जीवन के दरी बिछाने के लिए ही है, हमें देश के लिए कार्यकर्ता तो बोलते हुआ हमें मौका कब मिलेगा, पार्टी को मौका देने की जाने पार्टी मौका दे रही है। तो भाजपा से जो ऑक्सीजन मिलने जा रहा है कार्यकर्ताओं को, जो एक नई तरह का व्यवस्था होने जा रही है, ये बहुत बड़ा प्रकटन मानता हूँ। तो 2022 का चुनाव पंचायत चुनाव माने, नगर बॉडी बहुत बड़ा चुनाव है, उसका बैकग्राउंड जब देखते हैं जो चीजें जो आपने कहा इतना दिक्कत क्यों हो रही है,
दिक्कत इसीलिए हो रही है, हर आदमी जो पुराना अच्छा था हम यहाँ से बन जाएंगे, जग मिल जाएंगे, हमारा यहाँ पे से है, हमारी फालो ने हमें प्रोग्राम किया, कोई ने सबको मदद किया, सबको भोजन पहुंचाए, हमें राशन दिया। तो ये जो नए पैरामीटर्स आए अब उनके उनके कैंडिडेट को, उनके प्रत्याशी बनने को, उस पर आंका जा रहा, ये जरा सा थोड़ा सा अंदर तकलीफ है लोगों को, या बोलेंगे इसीलिए पार्टी एक विद्रोह की स्थिति का है, क्योंकि पार्षद संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए पार्टी को थोड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है मुझे जो लग रहा है। जी विजय जी, संख्या बड़ी है, लेकिन अगर हम बात करें कि आपने महापौर मुख्यमंत्री ने भी कहा, हमने देखा भी जो बैकग्राउंड की बात हो रही है कि कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, डॉक्टर है, सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, विधि क्षेत्र के लोग हैं, तो जो रंजन जी भी कह रहे थे कि सेकंड लाइन की लीडरशिप आप तैयार कर सकते थे अगर इन पर पॉलिटिकल लोगों को आप बैठा देते तो, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर जयंत मलैया के बेटे इसलिए इस्तीफा दे देते हैं, उनको लगता है कि मेरा भविष्य नहीं है क्योंकि नेता पुत्रों के टिकट की बात हो रही है। स्थिति हम कांग्रेस में भी देख रहे हैं कि गुलशेर अहमद के बेटे अपना टिकट इस्तीफा दे देते हैं, बसपा से सतना से महापौर का चुनाव लड़ेंगे, उनके साथ भी क्राइटेरिया की दिक्कत है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि सारे क्राइटेरिया आपने बना दिए हैं, तो जब अगर हम बैकग्राउंड देखना शुरू करेंगे कि अब मुरैना की हम बात करें, हालांकि चूंकि हम पार्षदों की बात कर रहे हैं, लेकिन महिला जरूर आंगनवाड़ी में है जिनको टिकट मिला है महापौर का, लेकिन उनके पति संघ से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें सुमन शर्मा की, तो उनके ससुर महापौर रहे हैं, दो बार के विधायक रहे हैं। खंडवा की हम बात करें माधुरी पटेल, वो पहले एक बार महापौर रह चुकी है, उनके पति जो है बीजेपी में अच्छे खासे हैं। तो एक तो जो परिवार का क्राइटेरिया था वो कहीं ना कहीं उसमें एक लूप होल जो दिख रहा है। पंचायत चुनाव को भी हमने कर चर्चा की, कई कई सारे नेताओं ने अपने परिवारों के लिए वह रास्ता खोल दिया, तो बेहतर नहीं होता कि ये ठीक है कि आप पार्षद में जो क्राइटेरिया अपना रहे हो, तो एक कोशिश ये की जाए कि जो खाटी कार्यकर्ता है जिसके पीछे किसी विधायक का सांसद का ठप्पा नहीं लगा, वो किसी का पट्टा नहीं है, उसको भी आगे लाया जाए, उसको भी टिकट दिया जाए। पहली बात जो आपने कहा महिलाओं के जो नाम गिनाए, तो महिलाओं के मामले में अभी बड़ी दिक्कतें हैं, महिलाएं कम से कम घर से बाहर नहीं निकल पाई, राजनीति में उतनी वो नहीं हो पाई, लगातार आप उनको 30% आप आरक्षण दे रहे हो, 33% आरक्षण दे रहे हो, इसके बाद भी पंचायतों से आप ऐसी महिलाओं को नहीं निकाल पाए हैं जो खुद आगे राजनीति में अगले पायदान पे खड़ी हो जाए। शहरों में जो स्थिति बेहतर हो सकती थी, हम देखते हैं कि जिन महापौरों की भी बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, वहाँ भी आप देखिए चेहरे नहीं थे बीजेपी के पास। लेकिन आप देखिए जो लोग निकले उनको भी काम है, आप देखिए लता वानखेड़े सरपंच थी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, अब कहाँ किसी को नहीं पता। भक्ति शर्मा, हमने देखा कि देश विदेश में चर्चा थी जब वो सरपंच बनकर आई थी, बीजेपी में कुछ तमाम पदों पर है, लेकिन जो जहां पहुंचना था वो मौका नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, तो ये मौका देना पड़ेगा, ये मौके कहां छिन जाते हैं उसकी भी एक वजह है मनोज जी, जो हम कह रहे हैं ना नेताओं के परिवार से, दिग्गजों के परिवार से, या जिनकी पैंट अच्छी होती है वो अपनी पत्नी के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए टिकट हासिल कर ले जाते हैं। तो जो महिलाएं आगे आ सकती थीं, जो मेहनत कर सकती थीं, जो मुकाम हासिल कर सकती थी, वो पीछे रह जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह सामने आती है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो पहले जो पंचायतों में पार्षदों में उसमें होता था, वो अब हम महापौर के स्तर पर भी पहुंच गए। यही वजह कि आप देखिए कि यदि विधायकों में भी हम गिनती करें तो बहुत कुछ राजनीतिक परिवार से आती है मनोज जी, बिल्कुल वैसी नहीं आती महिलाएं जो आपको गढ़ सकते थे जिस तरह से आप नेताओं को, और जो प्रारंभिक नर्सरी कह सकते हैं हम, जो पार्षदों से जो बन के आते हैं, आप ऐसे लोगों को, सही कहा आपने, ऐसे लोगों को टिकट दीजिए जो किसी के पट्टे ना हो, लेकिन यदि वो राजनीति में सक्रिय होगा तो किसी ना किसी की छांव तरह तो पलपता ही है। जिस तरह से पौधा एक किसी को माली रहता है, तो यदि वो सांसद के छांव में पल रहा है या बढ़ रहा है या पनप रहा है, तो आप उसको पट्टे से ना, कम से कम भाजपा में आप उसको पट्टावाद नहीं कह सकते, लेकिन संगठन को ये देखना पड़ेगा लेकिन सिर्फ पट्टावाद ही ना हो, संगठन का काम करने वाला माली की निगरानी में तो पौधा पनप जाएगा, लेकिन वट वृक्ष के नीचे तो पनप नहीं सकता ना। बिल्कुल, तो वट वृक्ष से उसको संरक्षण देने का काम संगठन का है, तो संगठन को ऐसे लोगों पर, जिस तरह से भाजपा की बात करते हैं कि वो कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है, तो फिर आप कार्यकर्ताओं का ध्यान रख रहे हैं तो फिर आपको समाज के दूसरे तबकों से क्यों लोगों को लाना पड़ रहा है? आप अपने कार्यकर्ताओं को इतना सक्षम क्यों नहीं कर देते? यदि कार्यकर्ता को गढ़कर ही आप वहां पहुंचा देते, आपका कार्यकर्ता होता
तो बेहतर तरीके से काम करता, वो लोगों के बीच में जाता। लेकिन आप यदि दूसरी उससे लाएंगे, यदि आप किसी वकील को लाएंगे, तो वो उतना लोगों में ना लोकप्रिय हो सकता है, अच्छा वकील हो सकता है, तो कुछ एक वर्ग में लोकप्रिय हो सकता है, उसकी एक अपनी पहचान हो सकती है, लेकिन वो जनता की नब्ज समझता है कि नहीं समझता, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जनता की नब्ज समझने वाले को आप यदि जनप्रतिनिधि बनाओगे तो बहुत दूर तक जाएगा। चाहे हम उदाहरण देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का देख लीजिए, चाहे बीजेपी का देख लीजिए, जो जमीनी नेता है मनोज जी बहुत आगे, जो ग्रास रूट से आए हैं, हम देख रहे हैं कांग्रेस में भी नए लड़के, कांग्रेस में भी जो ग्रास रूट से आए और जो हवाई नेता बनकर आए हैं, उनका हसर देख लीजिए, वो उनको एक दुनिया अलग दिखती है। उन्होंने वो संघर्ष नहीं किया, उन्होंने वो जो सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति उसकी तकलीफ नहीं जानी, उसने गरीब तबके की समस्या नहीं समझी उसने, तो वो उसका एक अलग सोच होती है, वो एक अलग योजना लेके आ सकता है, वो एक अलग आपको दिखा सकता है कि मैं इस तरह से काम करूंगा। और एक जो जमीनी आदमी है वो पहले जमीन की समस्याएं जो हैं, लोगों की मूलभूत समस्याएं, उन पर फोकस करता है, तो वो जमीन के नज़दीक रहता है, तो उसकी लोगों के बीच में पकड़ वैसी होती है। तो मुझे लगता है कि जो पार्षदों के टिकट की जो बात रंजन जी भी कर रहे थे, क्राइटेरिया जरूर आपने बहुत सारे बना दिए, लेकिन उसमें आपका कार्यकर्ता भी पिछड़ गया मनोज जी क्राइटेरिया में। यदि आप उसका क्या कसूर है कि आपने आज क्राइटेरिया बना दिया, वो तो लगातार 10 साल से 15 साल से इंतजार कर रहा था, कुछ आरक्षण ने उसके मंसूबों पे पानी फेर दिया, किसी वजह से आप उसको पहले टिकट नहीं दे पाए, आश्वासन देते रहे, अब आप उम्र का क्राइटेरिया ले आए कि आप उसको अब नहीं, तो वो तो सिर्फ उसके साथ तो ठगी हुई ना एक तरह से, कि वो लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा, आपने और यदि आप मान के चलिए कि एक वर्ग बना देना थी आपको, ऐसे लोगों को छांट लेना चाहिए थे कि आप युवाओं को भी मौका दे सको और जो एक उम्र पार कर चुके 50 साल के उनको भी दे सको, तो कम से कम सारे तो आपके जो जमीन में जो पार्षद बनेंगे सब आगे तो बढ़ नहीं जाएंगे, उसमें से आपको नेतृत्व को चुनना पड़ेगा कि बेहतर कौन है। तो जो बेहतर हैं वो चुनाव करके, यदि जो 50 साल के भी बेहतर हैं तो उनको पार्षद बना देना चाहिए, वो समाज में सेवा कर लेते, जो उनके मंसूबे थे वो पूरे हो जाते, जो सेवा करते आ रहे, तो रंजन जी प्रतिफल मिल जाता। आप प्रतिफल तो दे सकते थे, लेकिन एक और चीज हम देख रहे हैं कि संकट कितना गहरा है, क्योंकि कमलनाथ जैसा नेता इंदौर में कहते हैं कि भैया मैंने तो विजय लक्ष्मी यादव जिनको प्रभारी बनाया है, कि मैंने उनको जो नाम दिए थे 7-8 नाम उन्होंने मेरे भी रिजेक्ट कर दिए हैं। तो मैसेज देने की कोशिश है कि भैया एकदम फेयर प्रक्रिया चल रही है, जिला समिति से जो नाम आएंगे उन्हीं को टिकट मिलेगा। मुख्यमंत्री को एक संदेश जारी करना पड़ता है कि कार्यकर्ताओं का अंतर बताना पड़ता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कितनी इज्जत है, कांग्रेस में तो कार्यकर्ता नहीं है और है तो इज्जत नहीं है। पार्षदों के लिए घंटों घंटों मंथन चल रहा है कि अगर बीडी शर्मा बैठ रहे हैं, हितानंद शर्मा बैठ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान बैठ रहे हैं, तो वाकई इतना ज़्यादा प्रेशर है विधायकों का, संघ परिवार का या तमाम संगठनों का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब अगर टिकट वितरण हमें साफ दिख रहा है कि जो 16 महापौर में से 8 से ज़्यादा ऐसे हैं जो संघ से सीधे जुड़े हुए हैं, या ये डर है कि 2023 के चुनाव नज़दीक हैं तो नाराजगी ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस वजह से एक एक चीज पे मंथन कर रहे हैं, कंट्रोल कैसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए? वही कहने जा रहा था कि मामला प्रेशर 2023 और 2024 का है, बड़ी लड़ाई 2024 का, बिल्कुल। और अगर उस स्तर पे जैसे इनका बहुत ज्यादा संख्या प्रदेश पार्षद की है, पूरे स्टेट की है, जैसे विजय जी बोल रहे थे वो सालों से वेट कर रहे थे, 7 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो देखिए जो भी परिवर्तन का दौर है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। इसी बीजेपी में अचानक तय हुआ कि 75 साल से ज्यादा जो लोग होंगे उनको सार्वजनिक पद छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। इससे पहले कोई तैयारी नहीं हुई थी, गिरे चुने लोग थे, बाबूलाल गौर हटे, फत्ता सिंह हटे, बाद में कुछ मैदले फट्टा पड़ा, सेंट्रल लेवल पे नजमा हितुल्ला हटी, कल्याण सिंह को हटाया गया, कल्लाज मिश्रा हटे, बहुत से ऐसे नाम। लेकिन उसी दौर में येदुरप्पा को 77 साल की उम्र में कर्नाटक की कप्तानी मिल गई। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, केरला में जो आपके पार्टी प्रेसिडेंट रहे ज्यादा उम्र के थे, अपवाद आ गए, 85 साल से ज्यादा उम्र थी, आपने उनको उम्मीदवार बनाया। तो जब आपने क्राइटेरिया बनाया तो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तो सेकंडली जब भी क्राइटेरिया फॉलो करने जा रहे हैं तो पार्टी को तैयार तो करना पड़ेगा उसके लिए। पर जो आदमी लगातार 50 साल से 40 साल से 20 साल राजनीति कर रहा है, आपने कहा कि पहले 75 तक 50 पे ला दिया आपने, 25 साल घटा दिया अचानक, तो जो 25 साल का गैप दिया आपने, क्या उसके लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग की आपने, उनका क्या मानक तैयार किया कि आप क्या करेंगे, क्या रोल रहेगा पार्टी में आपका, क्या कुछ और रोल रहेगा उसका, क्योंकि तो लगातार राजनीति कर रहा है वो, तो कुछ और नहीं कर रहा। आप उनके लिए तो आप अग्निवीर जैसी कोई योजना भी नहीं ला सकते हैं कि 3-4 साल के लिए आप सब कोई काम ले लेंगे, ट्रेन कर देंगे, तो और बाद में फिर आपको एडजस्ट कर लेंगे, और उनके परिवार को आप ये कह के मौका नहीं दोगे कि परिवारवाद है, आपके पिता भी राजनीति में थे। समस्या मनुष्य है कि जो पहले की राजनीति थी, राजनीति के थे, परिपक्व थे,
और वो चीजों को समझते थे, ग्राउंड लेवल पे काम करते थे। अभी जो राजनीति हो रही है, चाहे कांग्रेस का जैसे कमलनाथ का बयान या बीजेपी का है, अब कारपोरेट कल्चर है, अब तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, तुरंत किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन पार्टी के लोग तो ऐसा नहीं है, वो तो अभी नया मानस तैयार नहीं किया। इसलिए जो बयान आ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं कि अब उनको मान मनोबल का दौर है, ये ऐसा मत करना कि पार्टी खतरे में पड़ जाए, 23 खतरे में पड़ जाए, 24 खतरे में पड़ जाए, ऐसा कवायद इसलिए। तो अगर पहले तैयारी हो गई होती है सालों पहले से, तो चलो 50 लाख लोग से टिकट नहीं मिलेगा, नेता पत्रों को टिकट नहीं मिलेगा, तो शायद दिक्कत नहीं आती। जो लोग 22 में खतरे में आ गए हैं बेचारे, तो फिर उनके फारे आप 23-24 को उम्मीद क्यों कर रहे हैं? वो खतरे में डालेंगे 23-24, दिक्कत है ना, वही तो जो बाढ़ के खतरे में आएंगे वो 23-24 खतरे में डाल सकते हैं। जो बात हो रही है ना कि पार्षदों की सूची जारी नहीं हुई, लेकिन एक चीज देखी आपने कि बाकायदा लोग प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी का कोई बड़ा नेता ऐसा तो होगा जिसने सूचना दी होगी कि भाई आप तैयारियों में जुट जाइए, आप तैयारियां करिए। कुछ लोगों ने पंपलेट छपवा लिए, कुछ लोगों ने बैनर छपवा लिए, ये कांग्रेस और बीजेपी में। और जब आप देखिए कि भोपाल की बात है, एक महिला कांग्रेस की नेत्री है, उनको टिकट नहीं मिलता, पूर्व पार्षद हैं तो वो आम आदमी पार्टी में चली जाती, जबकि टिकट तो अभी घोषित हुए नहीं, तो कहीं ना कहीं तो तय हो चुके हैं। और जो डैमेज कंट्रोल की जो बात कर रहे हैं हम, तो डैमेज कंट्रोल में दोनों ही पार्टियां जुटी हुई हैं। और कई जिलों में इक्का दुक्का हम देख रहे हैं, सूची दतिया की बात करें हम या और छोटे जिलों की बात करें, वहां पे लगातार सूचियां जारी होती जा रही हैं, और वो शायद लिटमस टेस्ट की तरह देख रहे होंगे कि वहां विरोध का स्तर क्या जाता है इस क्राइटेरिया पे, तो उसके हिसाब से फिर बड़े शहरों की रणनीति बना दी जाए, कुछ नाम जोड़ दिए जाए, कुछ घटा दिए जाए, ये भी संभव है। बिल्कुल, ये भी संभव है। और देखिए आप के अब लोगों के पास विकल्प है, लोग सब्र नहीं करना चाहते, 5 साल इंतजार नहीं करना चाहता, अब कार्यकर्ता भी बेसब्र हो गए कि आप नई गाइडलाइन कौन सी ले आएंगे। उनको शायद लोहिया जी की बात अब पल्ले पड़ रही हो कि जिंदा को मैं 5 साल इंतजार नहीं करती है। तो आप देखिए कि लोग विकल्प की तरफ ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो बसपा की तरफ जा रहे हैं, यदि वो जनाधार वाले हैं, यदि बाट की कितनी सी संख्या होती है, यदि उनकी पैठ अच्छी है, तो आप देखिए निश्चित तौर पर आपको इस बार देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे निर्दलीय आएंगे, कुछ दूसरे दलों का दामन थाम लेंगे वो आ सकते हैं, लेकिन इन्होंने मेहनत की होगी क्योंकि लंबा समय हो गया मनोज जी, और लोगों को विकल्प, हमने देखा कि लोग दो दो बाट में तैयारियां कर रहे थे कि यदि ये हमारा आरक्षित हो जाएगा तो हम पड़ोस के बाट से लड़ लेंगे, तो कुछ तो तैयारियां कर रहे होंगे। 5 साल 7 साल 7 साल में चुनाव हो रहे हैं, तो लगातार उनकी सक्रियता है, उनके अरमानों पर पानी फिरेगा, तो दूसरा विकल्प देखेंगे अब उन्होंने कितनी मेहनत की होगी इसकी परीक्षा। जो कहावत है कि दुबले पे 2 अषाढ़, कि कमलनाथ ने भी एक क्राइटेरिया बना दिया कि आप दूसरे वार्ड से नहीं लड़ेंगे, तो ये भी एक संकट है उनके सामने, तो या तो नया दल में जाएं कांग्रेस वाले भी। और जब आप नए व्यक्ति को वहां दोगे जिसने मेहनत ही नहीं की हो, जिसको मालूम है कि हमारे बाट से तो ये नेताजी लगे हुए हैं, टिकट यही लेके आ जाएंगे, और वो घर में बैठा था, ऐसे घर में बैठे हुए आदमी को आप दे दोगे क्योंकि इस आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पर, तो वो जो व्यक्ति है वो दूसरे उससे टिकट लाके या निर्दलीय खड़े करके, तो वो आपका गणित भी बिगाड़ देगा। कांग्रेस का बागी होगा तो कांग्रेस का गणित बिगाड़ देगा, बीजेपी का बागी होगा तो बीजेपी का गणित बिगाड़ देगा, और ये दोनों बागी हो गए तो 2023 में और 2024 में दोनों राजनीतिक दलों के गणित बिगाड़ देंगे। बिल्कुल, तो पूरा खेल गणित का है, और राजनीति में वैसे भी दो और दो चार नहीं होते हैं जी, लेकिन हमारी घड़ी में जो है वो समय हो गया है, और इस समय को हम ये वो कह रहा है कि अब इस चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका, ब्रजेश जी आपका। तो निश्चित तौर पर क्राइटेरिया अपनी जगह, पार्षदों पर पेंच फंसा हुआ, और हो भी क्या ना हो, क्योंकि जो लोग 5-7 साल से लगातार तैयारियां कर रहे थे, उनको कुछ उम्मीदें थी, कुछ उनके अरमान थे, वो सारे अरमान दोनों राजनीतिक दलों ने एक झटके में तोड़ दिए। कुछ लिहाज से अच्छा भी हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस में कई ऐसे पार्षद हैं जो 20-20 साल से लगातार जीत रहे हैं, और कभी उनकी सीट आरक्षित होती तो पड़ोस की सीट में घुस जाते हैं, ये इनके इन प्रकार टिकट की जुगाड़ कर लेते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या बीजेपी में भी कम नहीं है। तो सवाल यही है कि जब इस मामले से निपटा कैसे जाए, तो क्राइटेरिया अपनी जगह, लेकिन उसमें कुछ एक गुंजाइश ऐसी रखना चाहिए कि इसकी आड़ में जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको कहीं टिकट ना कट जाए, उसके साथ कहीं अन्याय ना हो पाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।